गाली दे। उसको सरकार ने खोल दिया है मर्डर करने के लिए। रास्ता मर्डर भी जवानों के गोली मार दिया। क्यों मारा गोली? तो सरकार ने खोल दिया गोली मारने के लिए ना। झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते सर। उधर से आया बस पड़ा सिरा गोली मार दिया लग गया है यही में पाछे कान पर गया मार गया काहे मारा अब ये बात नहीं जानते इंसाफ वाला आदमी है किसी को मार सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के मुंगेर जिले से, जहां होली से पहले ही खून की होली खेली गई है। जी हां, मामला जमीनी विवाद का था। दिन था शुक्रवार का और देर रात करीब 8 बजे के आसपास दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। कहा जा रहा है कि दर्जनों राउंड गोलियां चली, जिसमें मौके पर ही दोनों पक्षों से 3 लोगों की जान चली गई है। शुक्रवार की देर शाम करीब 8 बजे दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों से 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक पक्ष से जय जय राम शाह और उसका पुत्र कुंदन शाह, जबकि दूसरे पक्ष से 18 वर्षीय सागर बिंद पिता मोहन महतो शामिल हैं। करीब 2 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आर्मी के जवान चंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद चया टोला में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जबकि वहां के ग्रामीण दहशत में हैं। जानकारी के अनुसार 12 वर्ष पूर्व जमीन ली गई थी, जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी जमीन की रंगदारी मांगी जा रही थी और इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रहा था। शुक्रवार की दोपहर भी इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद रात 8 बजे दोनों पक्षों के बीच अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यह तस्वीर है मृतक के परिजनों का, जो विलाप कर रहे हैं, जो बार बार आरोप लगा रहे हैं आरोपी पक्ष पर, जिसने मारा है गोली उस पर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही आप चश्मदीद की ये बातें सुनिए कि कैसे सब कुछ हुआ। तो छुट्टी अरे हुआ हो गया, कहाँ पर से आया हाथ गोड़ धोआ वो टूटी पर, और टूटी पर से सोचा कि अब हाथ गोड़ धो के हम खाना खाएंगे। उधर से आया बस ये झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते सर। उधर से आया बस पड़ा सिरा गोली मार दिया लग गया है यही में पाछे कान पर मर गया। कौन गोली मार दिया? के नाम रहे? चंदन। चंदन? हाँ मजदूरी करने के लिए आए। ये लड़का कहाँ रहता है? ये लड़का रहता है नंदी चौक, यहाँ घर है नाना नानी के। अच्छा। तो नाना नानी यहाँ काम करता है, दूसरे यहाँ काम करता है, नाना नानी यहाँ रह के और अपना काम करता है। बात आती जमीनी विवाद और रंगदारी की बात है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हमारा कोई घर है सर, हमारा रंगदारी है, कोई दुश्मनी रहेगा। तो सुना आपने, ये मामला जमीनी विवाद का बेसिकली बताया जा रहा है, लेकिन दोनों पक्षों में रात 8 बजे जैसे गोलीबारी शुरू हुई, उसके बाद इतनी तड़ातड़ गोलियां चली कि वहां लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस ने एक आर्मी के जवान को हिरासत में लिया है। जब गोलीबारी की यह घटना हुई तो मुंगेर का पूरा इलाका जो है वो थरथरा उठा। इस कासिम बाजार थाना क्षेत्र का जितना भी इलाका है वो दहल उठा और एक बार फिर से मुंगेर में गोलियों की हट गूंज उठी। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।